Hello viewers, assalamu alaikum, welcome to Favistro. My name is Faisal. Assalamu alaikum, welcome back to our channel. और मेरा नाम है अरीशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की रेसिपी आपके साथ लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छी सी न्यूज आपके साथ शेयर ये कर रहे हैं कि आज हम बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं और उसके लिए मैरिनेशन प्रोसेस पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको कुछ देर के बाद जब ये मैरिनेशन हो जाएगी फिर उसके बाद आपको चूल्हे पे मिलेंगे आउटसाइड। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये हमने कीमा ले लिया है जो कि तकरीबन एक से डेढ़ किलो है अगर वजन किया जाए इसका। और इसमें खास जो इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड है वो ये है कि इसमें जो फैट का रेशो है, अक्सर लोग फैट का रेशो नहीं कंसिडर करते हैं। अगर फैट नहीं होगी तो जब वो चूल्हे पे अंगीठी पे पकेगा तो उसमें वो जूसीपन नहीं आएगा, वो ड्राई हो जाएगा। अक्सर हमने पुराने जमाने में सुना था कि वो रूखा होना चाहिए, रूखा कीमा नहीं होना चाहिए। देखें, यहाँ पर अरब कंट्रीज में अक्सर जो है बहुत ही सिंपल रखा जाता है कबाब को और बहुत ही सिंपल मसाले होते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से नमक मिर्च, काली मिर्च और वो मसाले और तंदूरी मसाले और पता नहीं कौन कौन से, उससे जो गोश्त का अपना टेस्ट है वो चला जाता है। तो आइए जल्दी से बनाते हैं। ये हमने कीमा ले लिया जिसके अंदर फैट हमने अलग से इसमें पिसवाई थी मशीन में। हम ये एक किलो का आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। अच्छा जी, इसमें ये सी सॉल्ट हम डाल रहे हैं, तकरीबन अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 टीस्पून और हमेशा जैसे कि हमने लाइक सॉल्ट पे, और इसमें फिर जाएगी थी ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून व्हाइट पेपर, इसमें 2 टीस्पून जाएगा जी आपका भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, इसमें 1 टीस्पून भर के जाएगा हल्दी। तो इसमें हम नहीं, रेड चिली पाउडर इसमें यूज नहीं होगा। इसमें जो चिली का जो काम है वो यूज करते हैं, इसमें लाल मिर्च नहीं है तो फिर क्या टेस्ट जी। इसमें जो चिली का काम है वो व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर ने कर दिया है। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है हाथ से, मसालों की मिक्सिंग हो रही है अच्छी तरह से। बस तो आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले ऐड किए और इसको मिक्स करके साइड पे रख दिया। ठीक है जी, इसको साइड पर रख दिया। अभी इसके अंदर एक और चीज होनी है इसकी मैरिनेशन प्रोसेस के लिए। ये व्हाइट कलर का अनियन है, आप जो नॉर्मल अनियन मिलता है वो भी ले सकते हैं। इसका सब जूस ज्यादा होता है और इसमें गोश्त को टेंडर करने का प्रोसेस जल्दी होता है। और उसको ये टमाटर ऐड कर रहे हैं, इसको भी करना जी, इसको भी इसी तरह टमाटर और प्याज को ऐड करना है हमने, और इसका जो पानी है उसको निचोड़ देंगे। ये इस शक्ल में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम इसको ड्रेन करेंगे इसका पानी, पानी इसका मैक्सिमम। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि अगर हम पानी इसका ड्रेन नहीं करेंगे तो वो जो हमारे कबाब है वो ठीक से शेप नहीं पकड़ेंगे। नहीं, और दूसरे के वो फिर वो गिर जाएंगे सीख। हाँ। से ये देख सकते हैं जी, ये इस सूरत में आ गया, कीमे में सारा शामिल हो रहा है, हैंड्स फुल ऑफ कोरिएंडर। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। इसको फ्रिज में रखना है जी 2 से 3 घंटे के लिए, और फिर हम आपको सीखों पे अंगीठे पे मिलते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम आपसे मिल रहे हैं अंगीठी पे जो कि हमने तैयार कर रखी है। अरीशा, और हम लोग, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, गेस्ट भी हमारे आ गए और आप लोग देख सकते हैं कि अब हम पाकिस्तान से बहुत हमारे मोतबर गेस्ट आए हुए हैं और उनके एजाज में हम ये पार्टी भी रखी हुई है और बारबेक्यू पार्टी।